व्हाट्सअप गाइज, मैं वसीब और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्नूप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल के फोल्डिंग फोन के बारे में, जो कि अभी अनाउंस किया गया एप्पल की तरफ से कि वो 2019 में अपना जो है वो फोल्डिंग मोबाइल फोन लेके आएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा इस मोबाइल फोन में आपको कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे, कौन सी ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और कौन से स्पेशल फीचर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर सबसे पहले इस मोबाइल फोन के बारे में बात की जाए कि इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले कैसा होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एप्पल का फोल्डिंग मोबाइल फोन है, तो इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको इसमें फोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इस मोबाइल फोन को आप जो है वो तीन तरह से फोल्ड कर पाएंगे। इसे आप अच्छी तरह स्क्रोल कर पाएंगे, मतलब कि दोनों साइड से आप इसे स्क्रोल भी कर पाएंगे और तीनों साइड से आप इस मोबाइल फोन को जो है वो फोल्ड भी कर पाएंगे, मतलब कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ एक अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और ये एक नई टेक्नोलॉजी होगी एप्पल की तरफ से। हम देखते हैं कि एप्पल हमें क्या देखने को यहां प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें कि इसका डिस्प्ले साइज क्या होगा, तो ये मोबाइल फोन हमें देखने को मिलेगा 8.2 इंच के डिस्प्ले के साथ। और इसे हम जो है वो एक टैब की शेप भी दे सकते हैं, मतलब कि इसे हम आईपैड में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आप कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं और इसमें आप स्मार्टफोन साइज भी जो है वो शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि एक अच्छा डिस्प्ले आपको यहां देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल फोन में परफॉर्मेंस की बात करें कि इस मोबाइल फोन में आपको जो है वो प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा A12 बायोनिक प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है एप्पल की तरफ से। लेकिन देखते हैं कि एप्पल की तरफ से इस प्रोसेसर में कुछ चेंजिंग की जाती हैं कि नहीं की जाती, वैसे ही जो है वो लगा दिया जाता है जैसे कि iPhone XR, iPhone XS और iPhone XS Max में लगाया गया था। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ये एप्पल का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। ऐसा प्रोसेसर किसी भी जो है वो अभी तक किसी भी ब्रांड का नहीं है हवावे को लेके, मतलब कि हवावे के पास जो है वो इससे अच्छा एक प्रोसेसर है। लेकिन अगर एप्पल की बात की जाए तो वो भी एक 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और ये भी एक 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। दोस्तों, इसके अलावा अगर इस मोबाइल फोन में कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में जो आपको कैमरा देखने को मिलेंगे, आपको एक जो है वो सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल में, और आपको जो रियर कैमरा देखने को मिलेंगे वो मिलेगा डुअल रियर कैमरा, एक 25 मेगापिक्सल का, एक आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का। दोस्तों, इन दोनों जो है वो कैमरा के फिजिकल अपर्चर अभी अनाउंस नहीं किए गए। दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल फोन में जो है वो बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 7600 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी और पावरफुल बैटरी। इसके अलावा इस मोबाइल फोन में आपको जो है वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी, क्विक चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और इसके बॉक्सेस में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपको फास्ट चार्जर जो है वो देखने को मिलेंगे, एक अच्छे चार्जर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें कि इसमें आपको जो है वो बेसिक वेरियंट कौन सा देखने को मिलेगा, इंटरनल स्टोरेज क्या देखने को मिलेगी, इसमें आपको देखने को मिलेगी 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, मतलब के इसका बेसिक वेरिएंट जो होगा वो आएगा 128 GB की स्टोरेज के साथ और 6 GB की रैम के साथ। दोस्तों, ये मोबाइल फोन ओवरऑल बात की जाए तो इसमें जो है वो सुपर एमोलेड, मतलब एमोलेड डिस्प्ले यूज किया जाएगा, क्योंकि एलसीडी जो पैनल होता है वो उसमें बिल्कुल भी जो है वो कर्व नहीं किया जा सकता, उसे फोल्ड नहीं किया जा सकता। जो कर्व डिस्प्ले होता है ये होता है सॉफ्ट डिस्प्ले होता है, इसे हम इजिली फोल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एप्पल के जितने भी मोबाइल फोन लॉन्च किए गए उनमें सभी में एलसीडी पैनल यूज किया गया, लेकिन ये पहला ऐसा एप्पल की तरफ से स्मार्टफोन होगा जिसमें एमोलेड डिस्प्ले यूज किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें कि इस मोबाइल फोन में और क्या कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो हम देखते हैं कि यह मोबाइल फोन जो है वो iOS 12 अपडेट वर्जन के साथ आता है, या अभी जो है वो एप्पल जो है 2019 में अपना नया वर्जन लेके आता है। दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो इसमें आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको इसमें जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगा और इसमें आपको कुछ और नए फीचर भी देखने को मिलेंगे।
तो जितनी भी अपडेट जो है वो एप्पल की तरफ से देखने को मिलेगी वो आपको इस चैनल पे इजीली जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, आपके सामने जो है वो लेके आऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।